मेरे दोस्त का कुछ तबीयत वबीयत थी, जैसे उसको एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत थी जिससे वो ठीक से खा नहीं पाता था, सो नहीं पाता था। तो उसके बाद हमने नेट पे वीडियो देखी हमारे स्टार हॉस्पिटल की। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया और उसके ऑपरेशन को आज 2 दिन हो चुके हैं। वो ठीक से चल फिर रहा है, ठीक से हेल्थ भी ठीक हो रही है उसकी। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। और मेरे दोस्त का कुछ तबीयत वबीयत थी, जैसे उसका पेट खाना वाना खाता था तो उसका पेट वापस वोमिटिंग कर देता था। उसको एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत थी जिससे वो ठीक से खा नहीं पाता था, सो नहीं पाता था और ठीक से उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। पूरा परिवार परेशान था उससे। तो उसके बाद हमने नेट पे वीडियो देखी हमारे स्टार हॉस्पिटल की। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमारी सर से बात हुई, देन हमने यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया। मेरे दोस्त जो हैं अभी उनके ऑपरेशन के बाद 2 दिन हुए हैं और अभी अपने आप को ठीक बता रहे हैं। ठीक से कोई वोमिटिंग वगैरह भी नहीं हो रही है और ठीक से चल फिर पा रहे हैं, खा भी ठीक से रहे हैं, कोई जलन वगैरह नहीं दिखा रहे हैं। उसका ऑपरेशन दूरबीन से हुआ है और उसको 4-5 कट हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और कुछ ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं हुआ और सर्जरी बिल्कुल नॉर्मल से हुई थी, ज़्यादा पेन वेन भी नहीं हुआ। और उसके ऑपरेशन को आज 2 दिन हो चुके हैं, वो ठीक से चल फिर रहा है, ठीक से हेल्थ भी ठीक हो रही है उसकी। और जो उनको छेद थे उन पे उनको टाके आए हैं तो उनको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही टाइम टू टाइम जैसे ठीक होते जाएंगे अपने आप वो स्किन में घुल जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं है कि हमें टाके कटवाने के लिए वापस आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्टाफ है यहाँ का वो भी बहुत अच्छा है, केयरिंग है। और हमारे जो नया डॉक्टर साहब है उनका नाम है जसमीत सिंह, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनका जो वे ऑफ लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो तो नॉर्मली है और सबको अपने तरीके से प्यार से बातें करते हैं। उनका काम करने का तरीका अच्छा है और उनका जो स्टाफ है वो भी उनके साथ एक सेफफुली काम करता है। यहाँ की सफाई वगैरह भी ठीक है, लाइटिंग वगैरह का भी ठीक है, सब कुछ एकदम गुड है। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जिसको भी एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत है तो वो ज़रूर अपना ये अपना स्टार हॉस्पिटल है जलंधर में ज़रूर यहाँ पे विजिट करें और अपने प्रॉब्लम्स बताएं, अपनी दिक्कत बताएं, सॉल्यूशन शॉर्टली हो जाता है।